हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चन सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए IBPS PO के लिए, IBPS क्लर्क के लिए, नाबार्ड के लिए और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है और नए नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैंकिंग ऑपरेटर्स के द्वारा। तो इसमें यदि आप नए पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर मैं एक खुशखबरी आपको और देना चाहूँगा, यदि आप नए पैटर्न के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और IBPS PO में और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन और अड्डा 247 की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 प्री के लिए और 10 मेंस के लिए, और एकदम लेटेस्ट और नए पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और करंट अफेयर्स के। तो इस टेस्ट सीरीज़ को यदि आप अड्डा 247 से लेते हैं तो वहाँ से ये 799 रुपये में आपको मिलेगी, और यदि इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन से लेते हैं तो कॉन्टेंट पार्टनर प्रोग्राम के तहत ये केवल आपको 699 रुपये में मिल सकती है। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके इसको आप ले सकते हैं। देखिए, ये हैं कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं, लेकिन क्लर्क एग्ज़ाम में थोड़े से सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका कॉलम ए और ये है आपका कॉलम बी। इसमें तीन सेंटेंस दिए हैं, आप देख सकते हैं ए, बी और सी, और यहाँ पर तीन सेंटेंस दिए हैं डी, ई और एफ। तो इन सारे सेंटेंसेस को मिक्स करके आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं जो मीनिंगफुल भी हों और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट हों। इसको आप इससे जोड़ सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं, इस तरीके से डायगोनली भी आप जोड़ सकते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। तो आपको इसका एक सही पेयर बनाना है जो सेंटेंस मीनिंगफुल हो। अब देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं, सफिशियंट एविडेंस एग्जिस्ट टूडे persuading us to honor constitutionalism privileging individual rights over innovation, ठीक है, was counseled loses or has become। अब इस सेंटेंस को यदि आप इन तीनों सेंटेंसेस से जोड़ें तो इसका कोई लिंक आपको नहीं मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसलिए इस सेंटेंस का लिंक यहां पर नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, repeated press reports indicate Continuing data breaches, exclusion and theft of benefit। इसमें तीन चीज़ें दी हैं और यहाँ पर loses दिया है, यानी यहाँ पर जो verb चाहिए आपको plural में चाहिए, तो इसका इससे भी कोई link नहीं बन रहा, इसका इससे link नहीं बन रहा। इसको पढ़ते हैं हम, the Aadhaar project which aims to usher a data driven revolution in the private sector and at the same time act as a state policy panacea। State policy के लिए ये एक panacea की तरह है, एक रामबाण की तरह है Aadhaar project, और एक डेटा ड्रिवन रिवोल्यूशन को यह बढ़ावा देता है। तो आधार प्रोजेक्ट यहां पर सिंगुलर है, आधार प्रोजेक्ट जो है यहां पर सिंगुलर है, और उसके साथ लिखा है यहां पर हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ कंटिन्यूइंग पब्लिक कंसर्न। निश्चित रूप से यह टॉपिक ऑफ पब्लिक कंसर्न है आधार जो प्रोजेक्ट है, तो इसका इससे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी सी और एफ का एक कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है, और यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी सी और एफ। इन दोनों ऊपर वाले पेयर्स को यदि आप ग्रामेटिकली लिंक करें तो यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, आप इसको रोक के भी एक बार पढ़ सकते हैं इन सेंटेंसेस को। देखिए, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अलोंग विद लैंडलेस फैमिलीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर गेटिंग पॉपुलराइज्ड एंड मोर एंगेज्ड इन मैनुअल लेबर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंडलेस फैमिलीज के साथ जो स्मॉल और छोटे फार्मर्स हैं वो भी पॉपुलराइज्ड होते जा रहे हैं, वो बैंकरप्ट या कंगाल होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, एंड मोर इंगेज्ड इन मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस सही है आपका, यहाँ पर ए और डी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। द मोर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑन विच अ हाउस होल्ड इज बेस्ड, इस तरह से होना चाहिए इसके आगे। इसके अलावा देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये जो फ्रेज है द मोर, जब ये एक सेंटेंस में आता है तो दूसरा वाला जो क्लॉज इसका बनता है उसमें भी ये आना चाहिए। जैसे यदि मैं बोलूं कि द हार्डर द वर्क द ग्रेटर द सक्सेस, तो दो बार मैंने कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया, लेकिन इसमें तो है कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पर देखिए कंपेरेटिव डिग्री कहीं पर नहीं है, यानी इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है,
द रूरल सेंसस और SECC मैप्ड डिप्राइवेशन यूजिंग 7 इंडिकेटर ऑफ ऑल दोज हु इवन होल्ड एग्रीकल्चरल लैंड. यहाँ पर इंडिकेटर जो वर्ड है इसको इससे जोड़ा जा रहा है, ऑफ ऑल दोज, मतलब इंडिकेटर जो कि एक टेक्निकल टर्म है उसको उसको पर्सन के साथ जोड़ा जा रहा है. किसी पर्सन के इंडिकेटर नहीं होते, ठीक है, इंडिकेटर एक अलग चीज़ है जिसको पर्सन से आप नहीं जोड़ सकते. तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है. इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, ए और डी, ए और डी इसमें आपका सही आंसर होगा. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है. और यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम की या IBPS PO की या क्लर्क की घर बैठे अच्छे तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंशियल वीडियो क्लासेस के थ्रू, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक टारगेट बैच लॉन्च किया है और इसकी वैलिडिटी 12 महीने रहेगी. इसमें अड्डा 247 की एक टेस्ट सीरीज़ है जिसका प्राइस 1200 रुपये है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगी. तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा IBPS क्लर्क और IBPS PO के लिए. तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और घर बैठे कोचिंग लेना चाहते हैं इंग्लिश की और करंट अफेयर्स की, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें मैं केवल 200 स्टूडेंट को ही एडमिशन दूंगा. 189 स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं. तो आप जल्दी से इसमें एडमिशन लें और इसके थ्रू अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें. इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. द बजट फॉर 2018-19 शुड सस्टेन दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफर्ट टू जनरेट कंस्ट्रक्शन जॉब. देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि 2018-19 के बजट को सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफर्ट को, ताकि जनरेट हो सके कंस्ट्रक्शन जॉब फॉर ग्रोइंग सरप्लस रूरल लेबर. ठीक है, तो ये चीज है, हम जो जॉब क्रिएशन का काम है वो बजट का नहीं है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस एक्चुअली ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन कॉन्टेक्चुअली ये सही नहीं है. आगे हम देखते हैं, द इंटेंशन हेयर इज टू रेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड रूरल हाउसिंग अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना. द इंटेंशन हेयर इज टू रेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इन दोनों योजनाओं में पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है, इसमें तो गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से बोलना थोड़ा सही नहीं होगा. द इंटेंशन हेयर मतलब ये इरादा है हमारा कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रेज करें स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. एंड ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस सही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं बन रहा है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इसमें नहीं हुआ है. क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और रूरल हाउसिंग अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना. तो इसको देखते हैं हम. द सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड टू सस्टेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. है सस्टेन से तो नहीं बनेगा लेकिन इसका इससे बन सकता है. द सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड टू सस्टेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू जनरेट कंस्ट्रक्शन जॉब. ठीक है, सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ये कर सकती है कि वो जॉब्स को क्रिएट करे सरप्लस रूरल लेबर के लिए. तो इसका कनेक्शन इससे निश्चित रूप से हो सकता है इस सेंटेंस का. सी और डी यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, सी और डी इसमें आपका सही आंसर होगा. इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस ये होते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं, देयर इज समथिंग यूनिकली ग्रोटेस्क अबाउट अपॉइंटिंग लॉयर्स टू वेट अ फिल्म दैट मेक्स फन ऑफ लॉयर जस्ट एज इट इज यूनिकली ग्रोटेस्क. देखिए इसको आप, इसमें भी सेम सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ग्रोटेस्क वर्ड भी आया है, इसमें भी ग्रोटेस्क वर्ड आया है और ये दोनों एक मीनिंगफुल पेयर बना रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, इसका एक पेयर बन जाएगा. यहाँ से हम देखते हैं, द आइडिया अंडरलाइंग द एक्शंस ऑफ बोथ द कोर्ट एंड द सेंसर बोर्ड इज दैट. दैट के बाद यहाँ पर एक सेंटेंस होना चाहिए जो कि नाउन क्लॉज का काम करे एक सेंटेंस, लेकिन इन दोनों में से नहीं है यहाँ पर. इसको पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर क्लियरली रिप्यूडिएटेड, रिप्यूडिएटेड मीन्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस व्यू व्हेन इट प्लेस द इंडिविजुअल स्वेलोड देयर प्राइड. नहीं, ये इससे नहीं बनेगा. इट प्लेस द इंडिविजुअल, इट प्लेस द इंडिविजुअल वेयर. ठीक है, वो होना चाहिए, तो वो इसमें नहीं है. इसमें केवल इसी का पेयर बन रहा है, इसमें ए और ई का, ए और ई इसमें ऑप्शन में है. हाँ है इसमें.
तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। इस सेंटेंस को देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल मे बी अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स एंडाउमेंट ड्राइव्ड, ड्राइव्ड के बाद फ्रॉम वर्ड आना चाहिए, ड्राइव फ्रॉम, फ्रॉम इन तीनों में से एक में भी नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ से ये नहीं जुड़ेगा। सेकंड पढ़ते हैं, फॉर ए पॉपुलस पुअर कंट्री टू लिफ्ट इट सेल्फ टू ए हायर ग्रोथ पाथ एंड स्टे देयर रिक्वायर्स, रिक्वायर्स वॉट, यहाँ पर इसके बाद एक नाउन चाहिए, लेकिन नाउन इनमें से तीनों में से किसी में नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा। यहाँ देखते हैं, इफ देयर इज टू बी ए मेटा नरेटिव, मेटा नरेटिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन किसी चीज का, इफ देयर इज टू बी ए मेटा नरेटिव फॉर चाइनाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेटा नरेटिव के लिए यहाँ पर देखिए इट वर्ड का यूज़ हुआ है, इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, इट इज़ दैट द लीडरशिप कम्बाइंड द ड्राइव फॉर ग्रोथ विद द स्प्रेडिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में बताया है, और ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये सही तरीके से यहाँ पर एक पेयर बना रहे हैं, सी और ई, इसका आंसर होगा थर्ड। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्लोजर होम द अफगान तालिबान एंड द हकानी नेटवर्क हैव कैरिड आउट सेवरल स्पेक्टेकुलर अटैक, अदर टेरर नेटवर्क हैव कंटिन्यू टू बी नो लेस एक्टिव। कॉन्टेक्चुअल तो सही बन रहा है इसका, कॉन्टेक्चुअली बन सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉमा होना चाहिए एक्चुअली। क्लोजर होम द अफगान तालिबान एंड द हकानी नेटवर्क हैव कैरिड आउट सेवरल स्पेक्टेकुलर अटैक्स, एंड एंड होना चाहिए यहाँ पर, एंड अदर टेरर नेटवर्क्स हैव कंटिन्यू टू बी नो लेस एक्टिव, इसका सेंस है यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इवन वाइल द यूएस हैज गेन्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्रोमिनेंस ड्यू टू इट्स ब्रांड ऑफ वायलेंस, देखिए यहाँ पर कॉमा आ रहा है, कॉमे के बाद इस सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं, इसमें अदर टेरर नेटवर्क्स हैव कंटिन्यू टू नो लेस एक्टिव, बी और डी का एक पेयर बन सकता है यहाँ पर। द बोको हराम इन अफ्रीका हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर किलिंग देन मोस्ट पीपल आर रूटेड, इसका सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर, इसका पेयर बन सकता है एक एक बी और डी, बी और डी का इसमें ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, फर्स्ट इसमें सही आंसर आपका है। देखिए ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इसमें आपको दो गलती निकालनी है, एक सेंटेंस दिया है और इसमें दो जो गलतियां हैं उसका एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इट्स ए ट्रेवेस्टी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये देखिए यहाँ पर इज दिया है तो यहाँ पर कुड नहीं आ सकता, यहाँ पर कैन आएगा, तो एक तो आपका ये हो गलती हो गई यहाँ पर, मतलब एक तो आपका बी में गलती है। आगे पढ़ते हैं, स्टेटस इवन आफ्टर बीइंग, बीइंग के बाद ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है, आफ्टर के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा, तो सी पार्ट में भी इसमें गलती है, बी और सी इसका सही आंसर आपका होगा। देखिए कितना ट्रिकी ये सेंटेंस लग रहा है, और 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर मैंने निकाला, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। चलिए इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, रिटेन न्यूज़पेपर कॉल्ड अकबर आर नोन, रिटेन न्यूज़पेपर कॉल्ड अकबर यहाँ तक सही है, आर नोन टू हैव बीन इन सर्कुलेशन, उनको जाना जाता है कि वो सर्कुलेशन में रहे हैं, आर नोन टू हैव बीन इन सर्कुलेशन, एक्चुअली इसका सेंस जो निकलता है वो पास्ट का निकलता है, रिटेन न्यूज़पेपर कॉल्ड अकबर आर नोन, उनको जाना जाता है कि वो सर्कुलेशन में रहे थे, टू हैव बीन इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के टाइम में, बट द प्रिंटेड न्यूज़पेपर केम इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट। ये पूरा सेंटेंस सही है, ठीक है, इसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखाई दे रही है, इसका आंसर होगा नो एरर। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, एट अमेरिका, एट अमेरिका नहीं होगा, कंट्रीज़ के लिए हम इन लगाते हैं, ठीक है, तो एक तो इसमें ए पार्ट में गलती है, दूसरा हम देखते हैं, बिग से इन द रनिंग ऑफ इंटरप्राइज दे ओन वर्कर्स हु आर फॉर अ मोस्ट पार्ट ओनली वीकली, फॉर द मोस्ट पार्ट होता है, फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है, तो सी में भी गलती है इसमें, ए और सी, ए और सी इसके इरोनियस पार्ट हैं। चलिए आगे करते हैं, द फोकस ऑफ पब्लिक एंड ज्यूडिशियल कंसर्न ओवर द सिचुएशन
prevailing in India's prison has in recent time been, has been actually ये passive voice है लेकिन has और been के बीच में इनमें इसमें in recent times लगा दिया जो कि सही है. जैसे हम बोलते हैं has also been, has never been, उसी तरीके से has in recent times been, तो ये सही है. related to overcrowding and long spell of incarceration, incarceration मतलब जेल में भेजना, long long spell of incarceration faced by the indigent inmate too poor to obtain bail. इसमें जेलों की जो व्यवस्था है हमारे इंडिया में उसमें उसकी बात हो रही है. देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ के इसको फिर से बताता हूँ. द फोकस ऑफ पब्लिक एंड जुडिशियल कंसर्न ओवर द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इंडियाज प्रिजन हैज़ इन रिसेंट टाइम बीन रिलेटेड टू, मतलब जो चिंता का विषय है हमारी जुडिशरी के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, वो क्या है, वो के जो प्रिवेलिंग सिचुएशन चल रही है भारतीय जेलों में, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन चल रही है उसके बारे में है. एंड इट इज़ रिलेटेड टू, मतलब सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ओवर क्राउडिंग एंड लॉन्ग स्पेल ऑफ इनकार्सिनेशन फेस्ड बाय इंडिजेंट इनमेट्स टू पुअर टू ऑब्टेन बेल. मतलब काफ़ी सारे लोग जो गरीब हैं और वो बेल से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, जो जमानत नहीं ले सकते, वो जेलों में पड़े रहते हैं और वहाँ पर सजा वो भुगतते रहते हैं. ओवर क्राउडेड जेल्स हो रही है हमारी, ठीक है, ओवर क्राउडिंग एंड लॉन्ग स्पेल्स होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि इनकार्सिनेशन यानी जेल में भेजने की जो प्रक्रिया है वो कई बार होती है, ठीक है. अगर यदि यहाँ पर ए होता तो फिर ये स्पेल सही होता, ए लॉन्ग स्पेल, लेकिन लॉन्ग स्पेल दिया है तो इसलिए स्पेल्स कहना सही होगा. लॉन्ग स्पेल्स ऑफ इनकार्सिनेशन फेस्ड बाय इंडिग्नेंट, मतलब जो जो क्रोधित हैं, ठीक है, एनॉयड हैं, इंडिग्नेंट, और यहाँ पर होना चाहिए. देखिए जेलों में एक आदमी तो होता नहीं है, कई सारे लोग होते हैं, उनको हम इनमेट्स बोलते हैं, इनमेट्स, कई सारे जेली होते हैं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए इनमेट्स. तो सी और डी पार्ट में इसमें गलती है, इसका आंसर होगा 4, सी डी, ठीक है. इसको देखते हैं हम इस सेंटेंस को. साइंटिस्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट मिडास, अ यूके बेस्ड एंटार्कटिक रिसर्च प्रोजेक्ट दैट हैव, देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको वो रेफर करता है. तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर ये जो हैव आया है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है ये प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, प्रोजेक्ट है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हैज़. तो एक तो इसमें ये गलती हो गई, ये गलती जो है ये किस पार्ट में है, ये बी पार्ट में है, ठीक है. आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस वर्क इज नेचुरल एंड नो लिंक टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज. यहाँ पर ये जो वर है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, लिंक है, और लिंक क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए वॉज. तो इसमें एक तो डी में गलती है और एक इसमें बी में गलती है, बी डी इसका आंसर होना चाहिए, बी डी, बी डी इसमें दिया है, ठीक है. तो इस तरीके से मैंने इसमें न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, और सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगामी बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से इनको आप आसानी से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, केवल लॉजिक आपको अप्लाई करना होता है. और यदि आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे ई कोर्स अभी अवेलेबल हैं, और एक ई कोर्स मैंने अभी लॉन्च किया है जिसका प्राइस केवल 999 रुपये है, उसको 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं. और एक IBPS क्लर्क का ई कोर्स है जिसका प्राइस 1950 रुपये है, उसको भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश और करंट अफेयर्स का कोर्स है. तो इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.